आज 8 अप्रैल है और आज उत्तर पश्चिम विभाग के शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं खिचड़ी चोर, उनको ईडी ने बुलाया है और ईडी इंट्रोगेशन के बाद क्या करेगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे उत्तर पश्चिम जिला के मतदाताओं को, मतदारों को पता चलना चाहिए कि उनका जो संभावित उम्मीदवार है वो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा बेईमान है और कितना बड़ा दलाल है। लेकिन जब खिचड़ी चोर और खिचड़ी स्कैम के ऊपर मैं काम करना शुरू किया तो पता चला कि खिचड़ी घोटाले का असली किंग पिन कोई और है, अकेला चोर नहीं है, अकेला खिचड़ी चोर नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं अपने मित्र के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं लेकिन जो सच है वो कहना पड़ेगा। मुझे इस बात का भी दुख है कि राजकारण में कभी भी परिवार को नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन जो पूरा घोटाला जिस तरीके से हुआ है उसमें मुझे अपने मित्र के परिवार के लोगों का जिक्र करना पड़ सकता है, पड़ रहा है। इसका मुझे सुख नहीं है, खुशी नहीं है, बल्कि दुख है। और ये जो पूरे खिचड़ी घोटाले के किंगपिन हैं, ये हैं शिवसेना उबाठा के प्रवक्ता श्री संजय राउत। संजय राउत जी खिचड़ी घोटाले के सूत्रधार हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा मैं उनकी बेटी या भाई के बारे में बोलूंगा तो, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब वो पतरा चाल घोटाले में पकड़े गए तो पाया गया कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे रिश्वत ली है, किसी बिल्डर से पैसे लिया। पत्नी को नहीं लाना चाहिए था इस पूरे घोटाले में, लेकिन उन्होंने किया था। और ये जो घोटाला हुआ है इसमें उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे, भाई के नाम पे और उनका जो पार्टनर है उस पार्टनर के नाम पे पैसे लिए। ये मैं आपको पूरा शीट आपके साथ शेयर करूंगा। एक कंपनी है सह्याद्री रिफ्रेशमेंट, जिसमें राजीव सालुंखे और सुजीत पाटकर वगैरह हैं जो संजय राउत के पार्टनर माने जाते हैं, उस कंपनी को 6,37,00,000 रुपए की खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था कोविड के जमाने में। और इस कंपनी से संजय राउत के परिवार ने और उनके मित्रों ने 1,00,00,000 रुपए दलाली के तौर पे लिए। वैश्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जिसका ब्रांच है परेल ईस्ट में, इस बैंक के खाता नंबर 00311001 00311001001 00001615, इस खाते से उनकी बेटी जो बेचारी बेगुनाह है, उनकी बेटी मेरी बेटी की तरह है, उसको पता भी नहीं होगा कि सह्याद्री रिफ्रेशमेंट क्या है, उसने शायद सालुंखे को कभी देखा भी नहीं होगा, लेकिन एमबीए और इंडिया अलायंस के जो पूरे संयोजक बनते हैं महाराष्ट्र में, ऐसे संजय राउत जी ने अपनी बेटी जिसका नाम है विदिता संजय राउत उसके नाम पे चेक से रिश्वत ली है। पहली रिश्वत है 29 मई 2020, यानी 2020 में 29 मई को 3,50,000 रुपए का पेमेंट आता है विदिता के अकाउंट में। 26 जून 2020 को 5,00,000 का पेमेंट आता है। 7 अगस्त 2020 को 1,25,000 का आता है उस अकाउंट में, विदिता के अकाउंट में। 20 अगस्त 2020 को 3,00,000 रुपए का एक चेक आता है उनके अकाउंट में। बिल्कुल इसी तरह से उसी दरमियान संजय राउत जी के भाई हैं, सगे भाई हैं संदीप राजाराम राउत, उनके अकाउंट में 6 अगस्त 2020 को 5,00,000 रुपए का एक चेक आता है इस कंपनी से, सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के, जिस अकाउंट नंबर को हमने बताया आपको।
और 20 अगस्त को 2020 में 1,25,000 रुपए का चेक आता है। इसके अतिरिक्त जो उनके पार्टनर हैं, जो जेल में भी गए हैं दो तीन केसेस में, सुजीत मुकुंद पाटकर, संजय राउत का ऑफिशियल पार्टनर है, उनके अकाउंट में 15 जुलाई 2020 को 14 लाख रुपए, फिर 5 अगस्त 2020 को फिर 14 लाख रुपए, 29 अक्टूबर 2020 को 10 लाख रुपए, 17 दिसंबर 2020 को 1,90,000 रुपए और 12 जनवरी 2021 को फिर से 1,90,000 रुपए आते हैं इनके अकाउंट में। ये जो सह्याद्री रिफ्रेशमेंट है, जो इसके बारे में जब जांच हुई तो पाया गया कि इनको 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का, फ्री में सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कोविड के जमाने में सबको पता है कि लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे, सैलरी नहीं मिल रही थी, दुकानें बंद थी, हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे गरीब लोग, कमजोर लोग, जो प्रॉपर्टियों में रहने वाले, चालियों में रहने वाले लोग, ऐसे लोगों को फ्री में भोजन सप्लाई करने का ये कॉन्ट्रैक्ट, ये काम, ये योजना बीएमसी ने शुरू की थी।